हेलो वेलकम टू काठमान जर्नी ब्लॉग। और आज शायद 38th या 39th डे है और आज के डेट में मैंने एक शॉर्ट बनाया है, अगेन डाउन शॉर्ट, जो नया मूवी है तू झूठी मैं मक्का, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों उसमें फीचर कर रहे हैं। उसका एक गाना है प्यार होता कई बार है, उसका एक गाना है, उसी पे शॉर्ट बनाया है। तो आज सुबह उठ के वही सब में लग गए थे और आज गर्म पानी भी स्किप हो गया सुबह सुबह का, पर पानी पी लिया था उठ के, तो दैट इज़ गुड, एटलीस्ट सुबह उठ के पानी पी लिया था। और अभी घर वर थोड़ा साफ करके भगवदगीता पढ़ूँगा, माला करूँगा और फिर काम पे लगना है। कल इस्कॉन भी गए थे तो वहाँ पे डिसाइड हुआ 50 लोगों के हिसाब से हर एक आइटम, मतलब 11 आइटम है तो 50 लोग का है, तो 550 पोर्शन टोटल खाना बनना, ठीक है, तो काफ़ी ह्यूज टास्क है। तो उसका भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी बना के मेरे को देना है इस्कॉन की अथॉरिटी, जो मंगाएंगे सामान वगैरह। तो हम लोगों ने जो ऐड किया है यहाँ से, मैंने और आर्यन ने मिलके मेन्यू बनाया था, तो वो वेज बर्गर, आलू चौप, वड़ा पाव, लस्सी और फ्रेश लाइम सोडा, ये एडिशन हुआ है उसके एग्जिस्टिंग मेन्यू पे, जो कि बहुत अच्छा है। तो उसका मेन्यू फॉर्म हुआ, फिर कॉम्बो ऑफर्स फॉर्म हुआ, पहली बार कर रहे थे, बहुत आइडियाज़ लगा, बहुत डिस्कशंस लगा, तब जाके हुआ, अकेले के बस की बात तो थी नहीं मेरे, तो वो हुआ। उसके बाद फिर जाके उनको पिच किया गया आइडिया, तो उनको पसंद आया, काफ़ी पसंद आया, तो वो उसके साथ मूव कर रहे थे। अब मेन्यू बनाना तो एक बात है, बट उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स मंगाना, प्लस कैसे सर्व होगा, कैसे बनेगा, किस चीज़ में रखाएगा, प्रेजेंट कैसे होगा सामने में, स्टॉल्स वगैरह कैसा सेटअप होगा, प्लस मेन्यू कैसे डिज़ाइन होगा फ्लेक्स पे, कैसे उसको प्रिंट किया जाएगा कि अपीलिंग लगे, तो वो सब चीज़ पे भी ध्यान देना। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज देख कहेंगे, बिकॉज खाना तो खैर एक बात है, वो अच्छा बनाना है, बट जो विजुअल अपीयरेंस है आजकल उसी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा है या नहीं, बिकॉज अच्छा खाना बहुत जगह मिल जाता है, बट द एम्बियंस दैट यू क्रिएट वो थोड़ा देरी बैठा के रखता है। और हम लोग वही बिल्कुल एम करके चल रहे हैं कि लोग वहाँ बैठे और बैठ के इतना अच्छा लगे कि 2-3 आइटम और ऑर्डर करते, तो वो है एक वो काम करना है। तो काफ़ी कुछ काम, मतलब 7 तारीख तक तो भजे पड़े हैं। मैं लाइक एकदम अभी क्या है कि जो भी मेरा रूटीन था वो सारा एकदम उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो अभी उस पर लगना है, पर वो 7 तारीख के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, मेरे को दिख रहा है यहाँ से, बिकॉज रात तक थोड़ा लेट नाइट तक काम करना पड़ता है उस चीज़ में, तो सुबह उठने का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं अभी, जिसको मेरे को फिक्स करना है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव शेड्यूल रहा नहीं है मेरा का पिछले 1-1.5 साल में। जब होटल में काम करता था तो बहुत एक्टिव शेड्यूल रहता था, मतलब वहाँ पे तो 16-17 घंटा कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था काम करते हुए, बट पिछले 1.5 साल से इतना ज़्यादा काम नहीं था। और अभी लाइक वो फेज़ शुरू हो रहा है कि एकदम लोड्स ऑफ वर्क है और मेरे को मेरा दिमाग को ट्रेन करना है, मेरा एक्टिविटीज़ डे शेड्यूल को पूरा ट्रेन करना है कि उसके हिसाब से बन पाए। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये गर्मी कोलकाता में पड़ रहा है, तो उसको भी मैनेज, उसको भी दिमाग में रख के चलना है, शेड्यूल्स वगैरह ये करना है। तो एक बार 7 का इवेंट हो जाए तब तक देखता हूँ मैं क्या फॉलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। भगवदगीता भी परसों दिन हर्षित प्रभु ने करा दिया था, कल मैं पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है कि मैं पढ़ा था कि नहीं, जनरली मैं पढ़ लेता हूँ बट मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं पढ़ा था या नहीं, पढ़ ही लिया शायद। तो इतना ज़्यादा काम है अभी, तो वो सारा चीज़ साइमल्टेनियसली, आरा वेरा का भी काम है, वो तो सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है इस हफ्ते मेरे शेड्यूल में। लाइक FMJ मेरा डेली अपलोड हो रहा है, शॉर्ट्स भी बन रहा है, पर आरा वेरा मेरा ज़्यादा लैग कर रहा है, जिसको जो मेरे को बहुत बॉदर करता है अल्टीमेटली, तो वो मेरे को ट्रैक पे लाना बहुत ज़रूरी है। अभी जाते हैं काम करते हैं और देखते हैं। और अभी तो नया व्लॉगिंग शुरू किया है, तो हर जगह कैमरा उठाने का आदत है नहीं, बहुत सारा ऐसा मोमेंट्स रहता है दिन में जो रिकॉर्ड करने लायक रहता है पर रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं बिकॉज कैमरा ही नहीं उठता है। अब देखिए क्या होता है, आई जस्ट होप कि लार्जर ऑडियंस तक पहुँचे, सपोर्ट मिले, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग, मेरे को तो लगता है ऐसा कैमरा यहाँ पे चिपका के उसको ऑन करके बस चल देना चाहिए, वही उपाय रास्ता है, बिकॉज मेरे अभी डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्सेस में नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो रहा है तो कैमरा उठा के करूँ, तो वो एक इशू हो रहा है ब्लॉगिंग करने में। तो मैं इंपॉर्टेंट, जो जैसे कल मैं इस्कॉन गया था रात में डिस्कस करने के लिए मेन्यू का, तो मैं उस समय इतना ज़्यादा
घुसा हुआ था उस डिस्कशन में, इतना ज़्यादा प्लानिंग करा था अपने दिमाग में कि कैमरा निकालना भूल ही गए, तो वो एक इशू है। तो अब देखते हैं वो सब ठीक करना है, बहुत कुछ है जिस पर काम करना है। और मैं सब अभी 7 तारीख के इवेंट के ऊपर ही छोड़ के रखा हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब करेंगे। पतला भी होना। देखो भाई अभी बज रहा है रात का 3:05, और बहुत सारा काम हुआ आज के डेट में। मैगी वाला एडिट करके डाला, बहुत सारा काम बचा हुआ भी है पूरे दिन में। और अभी रात के 3:03 और मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मेन्यू इंडेंटिंग करके ख़त्म किया 5 डिशेस का, वो एक काम था, प्लस चीज़ मैगी का एडिट हुआ। और अभी फ्रेश होना बाकी है, कल का शॉर्ट और आज का शॉर्ट इसीलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा बिकॉज मोस्टली अभी घर पे ही रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, तो अपलोड हुआ है। और खुशी का बात यह है कि आज हम लोग का 4000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है इन दियारा वेरा में 4000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो उसका भी खुशी है, बट अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज़ ये पहला इवेंट है मेरा गोरंगा में, और एक पूरा टाइम भाई चलता रहता दिमाग में कैसा सेटअप होगा, क्या मैनेज होगा, कैसे होगा, रफ एस्टिमेट, जितना क्लोज़ टू प्रिसाइज एस्टिमेट लगाना चाहता हूँ, रफ एस्टिमेट लगाना चाहता हूँ, सारा चीज़ लगा के देख रहे हैं, सेल्स का एस्टिमेट कर रहे हैं। बिल्कुल नया है इस बार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बट आई जस्ट होप कि मैं कुछ मैसअप ना कर दूँ इन द प्रोसेस, तो वो एक है। बाकी अभी और एक दो काम करके लाइक कुछ शॉर्ट्स एडिट कर लेंगे, ये वाला व्लॉग एडिट करके डाल देंगे, तो थोड़ा कल के लिए काम कम रहेगा बिकॉज आरा वेरा, जैसा कि मैंने बताया था कि आरा वेरा में थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो वो एक काम है। कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस्कॉन जाऊँगा पुचका वगैरह देखने, प्लस मेन्यू का लिस्ट प्रोवाइड करने जो इंडेंटिंग किया है वो सारा, तो उसके लिए इस्कॉन जाना है 11:30 बजे। तो देखते हैं अभी, आई जस्ट होप कि, अब मैं ये बोल तो नहीं सकता कि व्लॉग इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी फ़िलहाल, बट जैसा है वैसा है। मैं रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ बिकॉज़ कुछ मतलब बहुत मोनोटनस है, ऐसा नहीं है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, इट्स जस्ट कि सेम प्रोसेस है। मैं टेबल के सामने ऐसे लैपटॉप खोल कर बैठे रहता हूँ, काम करते रहता हूँ कुछ ना कुछ, एक इतना सारा काम है करने को, वही सब चीज़ में टाइम बीतता है तो क्या ही रिकॉर्ड करूँगा, वीडियो एडिट करता हूँ या फिर कुछ भी। तो वैसे ही है, आई जस्ट होप कि इन कमिंग डेज व्लॉग इंटरेस्टिंग हो, बट काम ट्रस्ट मी काम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हाई प्रेशर और नर्वस करने वाला चल रहा है। सो आई जस्ट होप कि आप अपना वेल विशेस बना के रखें और कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा, मतलब इतना बिलीव करके चलना होगा, एटलीस्ट आई एम गोना गिव माई बेस्ट। और फिर तो बस कृष्ण के ऊपर है क्या करते हैं, क्या होता है। चलिए ठीक है, अभी के लिए शुभरात्रि। और अभी हो रहा है 25 तारीख, ये व्लॉग 24 तारीख को शूट हो रहा था, 25 तारीख को निकल रहा है टेक्निकली ये 25 तारीख को अपलोड होने का बात था, पर 25 तारीख के 3 बजे तक ये शूट हो रहा है, तो वो सीन है। खैर वेट का पता नहीं यार, वेट का अभी ट्रैक नहीं करना चाह रहा बिकॉज मेरे को पता कम नहीं हो रहा है फिलहाल। थोड़ा बहुत असर दिखता है चेहरे पे या फिर हाथ वाथ पे कि कहीं पे लाइक फिज़िकली अपीयरेंस वाइज थोड़ा कम लग रहा है, बट वेट में कुछ अभी गिरावट नहीं है बिकॉज अभी मैं वैसा ना वॉक कर रहा हूँ ना कुछ, बिकॉज लैपटॉप वगैरह का काम ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो और बीच में टू बी ऑनेस्ट बहुत आलस भी आता है, तो वो भी एक अलग चंक ऑफ टाइम लेता है। तो बस मैं प्रोसेस में अभी जस्ट घुस रहा हूँ, आई जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। जो भी लोग देख रहे हैं ये व्लॉग, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, और आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। अभी मैं भगवद्गीता भी पढ़ूंगा, दोपहर में नहीं पढ़ा था, मैं भगवद्गीता पढ़ूंगा, माला करूँगा, फिर सोऊंगा, उससे पहले भी 2-3 काम है। आई जस्ट होप कि सारा चीज़ हो जाए, थोड़ा स्ट्रेस है
एज एन प्रेशर है वो मैं ले रहा हूँ खुद पे। अभी मैं चाहूँ तो बिना भगवद्गीता पढ़े या बिना माला किए सो सकता हूँ, बट यू नो एक रिजीम है, चाहे वो मतलब आप बहुत एफिशिएंटली ना कर पाए बट आई हैव टू स्टिक टू इट। वो तो एटलीस्ट उतना तो ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने शेड्यूल से। अगर आप लाइक जितना तेज़ बन के शेड्यूल बनाते हैं कि 6:30 बजे उठेंगे, माला करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट वो नहीं हो पाता। और यही ये पूरा इंटेंशन भी है चैनल का कि क्या फेलियर्स है वो देखना और उस पर काम करना। तो मेरे को दिख रहा है कि मैं किस किस चीज़ में लैक कर रहा हूँ, वीकनेस है मेरा तो जिस पर मैं काम कर सकूँ। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट जो निकल के आ रहा है। सो आई हैव टू टेक इट ऑप्टिमिस्टिकली और फिर उस पर काम करूँ। सो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हरे कृष्ण।